आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने 9th में भी पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्यों आया ये कॉन्सेप्ट, क्या हुआ था। अभी 10th में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9th का थोड़ा रिवाइज करते हैं। अभी आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक है, जहां पे ये एक दूसरे को मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, ओरिजिन के जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें ओरिजिन के राइट में यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और लेफ्ट में कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जो आपका वाई एक्सिस है उसमें ओरिजिन के अबव क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और बिलो क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है सर, ये सब तो पता है हमको, क्यों बता रहे, याद दिला रहा हूं। अब देखो, तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। अब इस पे मैं नंबर्स लिखता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है ये क्या कर रहा है, ये जो प्लेन है आपका प्लेन, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, चार पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, चार पार्ट्स में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट्स हैं। अब क्वाड्रेंट जो स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है, कहां से, यहां से। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या होएगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी पता था सर हमको, तो वापस से बता रहा हूं, वापस से हमको क्या होएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स एक्सिस है, क्या एक्स एक्सिस, इस पे जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स, इनको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम इनको, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। y एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और ये दोनों को एक कॉमन नाम दिया गया है, मतलब x एक्सिस के नंबर्स को और y एक्सिस के नंबर्स को एक कॉमन नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं हम इनको, कोऑर्डिनेट्स। तो हमने 9th में सीखा था कि इसमें कार्टेशियन प्लेन में हमको अगर नंबर्स प्लॉट करने हैं तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, नंबर्स मतलब कोऑर्डिनेट्स को अगर हमको प्लॉट करना है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। जैसे हमारे पास एक पॉइंट है ए 2, 3। अब ये जो पॉइंट है ए 2, 3, इसमें दो पॉइंट है हमारे पास, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है, इसमें जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये कौन सा होता है, एक्स एक्सिस का होता है। और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ये किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है। याद आ रहा है कुछ, 9th में पढ़ा था हमने, ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ये किसका होता है, एक्स एक्सिस का। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है ये किसका होता है, वाई एक्सिस का। अब देखो यहां पे दोनों, अभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये 2 और 3 दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब हमको ये पता नहीं है कि कौन सा ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां पे ध्यान देखो, ये ध्यान दो, ये जो पहला क्वाड्रेंट है आपका, इसमें देखो आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो यहां पे दोनों कौन से नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स। फिर ये जो दूसरा क्वाड्रेंट है आपका, इसमें देखो आपका x नेगेटिव है, हमेशा याद रखना x पहले आएगा। तो x क्या है आपका, नेगेटिव, और y क्या है,
पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका, इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो इसमें दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, इसमें देखो एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव, और वाई क्या है, नेगेटिव। एक बात और याद रखो कि ये जो क्वाड्रेंट्स हम लिखते हैं, ये कैसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया इतना? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा कि y y एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं हम उनको, ऑर्डिनेट्स। फिर x एक्सिस पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है, इन दोनों का एक कॉमन नाम है जिनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे हम जिनको, कोऑर्डिनेट्स। तो टोटल कितने क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर क्वाड्रेंट्स। कितने क्वाड्रेंट्स हैं, फोर क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स कैसे लिखते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया, क्वाड्रेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हमको पता है हमारी घड़ी ऐसी घूमती है, लेकिन क्वाड्रेंट्स को जब हम नाम लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। समझ में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी नंबर्स आते हैं वो क्या होंगे, दोनों एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट्स में जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स आएंगे, उनके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, उसमें एक्स क्या होएगा, नेगेटिव, और वाई क्या होएगा, पॉजिटिव। फिर आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, उसमें क्या होएगा बोलो, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, पता है मैंने बताया था कुछ, इसको क्या बोलते हैं नाइन्थ में, याद करो, नहीं याद आ रहा, कार्टेशियन प्लेन बोलते। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो नाइन्थ में हमने यही सब सीखा था। नाइन्थ में हमने और क्या सीखा था, कि अगर हमको कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे ए दिया हुआ है 3.6, बी दिया हुआ है 7.9, सी दिया हुआ है आपका 8.3, फिर डी दिया हुआ है आपका -2.-2, इन सारे पॉइंट्स को हमको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना था। तो वो हमने कहाँ सीखा था, नाइन्थ में सीखा था। हमने नाइन्थ में एक और चीज सीखी थी। अब आपको ये बात याद रहेगी कि ओरिजिन जो होता है हमारा, क्या ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ होता है बोलो, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या होता है आपका, ओरिजिन होता है। बराबर है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वहां, वो क्या होता है, हमेशा 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है, 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा याद रखना कि क्या होएगा आपका, 0.0। यहाँ पे एक्स भी 0 होएगा और वाई भी 0 होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है, एक एफ है कितना 3.0, और दूसरा आपके पास जी है कितना 0.3। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, अगर मैं ऐसा पूछ रहा हूं तो मेरा सवाल गलत है, क्योंकि यहां पे क्या है, ये 0 है और ये भी 0 है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है ये कहाँ आएंगे, आपके एक्सिस पे आएंगे। जैसे देखो ये एफ है आपका 3.0, मतलब एक्स कितना है, 3 है, और वाई कितना है, 0। तो अभी ध्यान देना, तो x कितना है आपका, ये रहा 3, और y 0 कहाँ है, यहाँ पे। मतलब ये जो f पॉइंट है आपका, ये कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा, और ये जो देखो g है आपका, ये 0.3 है, मतलब यहाँ पे x 0 है और y कितना है, 3 है, मतलब ये कौन से एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे। याद आया ये सब छोटी छोटी बातें। ठीक है, अब हम 10th में क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। 10th में हमको पढ़ना है कि हमारे पास दो पॉइंट है, जैसे देखो ये P है और ये Q है, देखिए दो पॉइंट्स हमको यहाँ पे, ये वाई एक्सिस दिया, ये एक्स एक्सिस दिया, ये क्या है आपका, ओरिजिन है। समझ में आया, अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, 10th में आपको करना क्या है, कि जैसे पॉइंट P है और पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो उसके लिए हमको क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे मिलेगा हमको वो। अब ध्यान से सुनो, ओ से आर, अब ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होएगा वो किस में होएगा, एक्स में होएगा।
और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा किस में होगा, वाई में होगा। समझो अगर आपका ओ आर कितना है, एक्स वन है, और ओ एस कितना है आपका, एक्स टू है, क्योंकि ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ओ आर कितना आएगा आपका, एक्स वन, और ओ एस कितना आएगा आपका, एक्स टू। ठीक है, अब यहां से ये देखो आपका ये टी है और ये क्यू है, तो टी एस, टी एस तो ये कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तो इसको हम क्या ले लेंगे, वाई वन, और ये जो आपका क्या है, क्यू एस है, ये क्या हो जाएगा आपका, वाई टू। समझ में आ रहा है पूरा पूरा डिस्टेंस। जैसे देखो क्या हो रहा है यहां पे, ओ आर कितना है आपका, एक्स वन, ओ एस कितना है आपका, एक्स टू, फिर टी एस कितना है आपका, वाई वन, और क्यू एस कितना है आपका, वाई टू। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे सिर्फ इतना चाहिए, कितना, आर एस चाहिए, क्या चाहिए, आर एस, तो देखो एक्स टू बड़ा है ना आपका, एक्स टू में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्स वन, तो आर एस का डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ में आया। अब एक बात बताओ, जितना आपका आर एस होएगा उतना ही आपका क्या होएगा, पीटी होएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यस सर, जितना आर एस होएगा उतना क्या होएगा, पीटी, क्या होएगा ये आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन। समझ में आया। अब अगर मुझे क्या निकालना है, देखो यहां पे क्यूटी निकालना है, क्या निकालना है, क्यूटी, इसको मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे वाई एक्सिस पे नहीं बनाया हूं, मैं डायरेक्ट क्या निकालूंगा, क्यूटी। अब देखो यहां पे आपका क्यू एस कितना है, वाई टू, और टी एस कितना है, वाई वन, तो अगर आपको क्यूटी चाहिए तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो वाई टू माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, ये वाई टू माइनस वाई वन। सर आप बोले आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस किसका निकालना है, पी क्यू का, आप तो ये निकाल रहे हो, है ना, कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं आना चाहिए। देखो अब यहां पे ये जो आपका पी टी क्यू है, ट्रायंगल पी टी क्यू, इसमें जो आपका एंगल होएगा ना पी टी क्यू, ये हमेशा कितना होएगा, 90 डिग्री होएगा, याद आ रहा है। अब देखो यहां पे ये आपका है क्यू टी पी, हमको क्या फाइंड करना है, क्यू पी फाइंड करना है। पता है हमने नाइन्थ में पढ़ा था पाइथागोरस, याद है, नाइन्थ में, एट्थ में हमने पढ़ा है कि हमको पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। अब वो कैसे आता है वो थ्योरम प्रूफ करने के लिए, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, आपका चैप्टर नंबर 6 में, जब हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तब। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, पी क्यू का स्क्वायर, क्या मिलेगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, क्यू टी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलेंगे हम इसको, पाइथागोरस थ्योरम। रीजन क्या आएगा बोलो इसका, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यहां तक सही है। अब ध्यान से देखो पी क्यू हमको पता है क्या कुछ, नहीं, वही तो फाइंड करना है सर, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो क्यू टी है आपका, क्यू टी ये कितना मिला है आपको, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस, अब ये जो पी टी है आपका, पी टी कितना मिला आपको, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, क्या क्या मिला, देखो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अभी हमको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पूरा पी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए रहेगा हमको, सिर्फ क्या चाहिए, पी क्यू। हमने क्या लिया यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर को, पी क्यू किया मतलब हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट, क्या लिया हमने, स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी कुछ महान लोगों का दिमाग यहाँ पे ये चलेगा कि सर ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, जैसे हमने पी क्यू स्क्वायर को पी क्यू किया, वैसे भी हम इसको भी क्या कर देंगे, वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन। ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, अगर प्लस का साइन है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो इसको हमको किस में रखना पड़ेगा, अंडर रूट, किस में रखना पड़ेगा, अंडर रूट। तो देखो ये आपका x2 माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते क्योंकि प्लस है, तो x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का
होल स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमको, देखो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या मिला है, ये हमको डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो निकल के आया है, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमारे पास आया है वो क्या है बोलो, अंडर रूट, क्या है ये, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको समझा, क्या मिला हमको डिस्टेंस फॉर्मूला, बोलो वापस से, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। समझ में आया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे मिला। अब देखो क्या बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हमारे पास एक पॉइंट है, क्या है पॉइंट पी, कौन सा पॉइंट है पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस मुझे कहां से निकालना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होएगा हमको ये फाइंड करना है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होएगा हमको वो फाइंड करना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये पढ़ा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, याद आ रहा है अभी तो पढ़ा हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको P बोला है x2 और y2 है, तो जो आपका O है ना, O मतलब क्या हो गया ओरिजिन, O मतलब क्या हो गया ओरिजिन, तो इसको हम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इसको हम क्या ले लेते हैं, x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x1 और y1। अब हम क्या करते हैं, ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है इनको हम कहां पुट करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो आपका x2 और y2 तो पहले से ही दिया हुआ है तो उसको वैसे ही रहने दो, x2 माइनस x1 कितना है आपके पास, देखो जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, y2 ही है, और y1 कितना है आपका जीरो। तो वापस से क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट x2 माइनस जीरो करेंगे तो x2 ही आएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, y2 ही आएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, क्या आएगा x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दिया है कि आपके पास पॉइंट है उसका आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या करो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का होल स्क्वायर। तो अभी हमने कितने फॉर्मूले पढ़े, यहां पे दो फॉर्मूले, सबसे पहला हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और दूसरा पढ़ा हमने, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही है लेकिन कहां है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या है अंडर रूट एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर। समझ में आया, चलो सर फॉर्मूला भी समझ में आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी समझ में आ गया, सर एक आध क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है चलते हम लोग कहां पे, 7.1 पे। चलो क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 7.1 क्या बोल रहे, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, हमको तीन क्वेश्चन दिया है, इसमें तीन पेयर दिया गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, इन तीनों पेयर के बीच का हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। तो इसमें है ना फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मैं करूंगा, सेकेंड वाला क्या करना है आपको होमवर्क में करना है, इसके साथ आपको और भी होमवर्क मिले हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है होमवर्क, इनको सॉल्व करते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट आया तो आप क्या, आपको क्या करना मुझे पूछना है। अब सॉल्व करने से पहले सबसे जरूरी बात, ये चैप्टर उसको ही आएगा जिसको प्लस माइनस आता है, वापस से सर क्या बोले, ये चैप्टर उसे ही आएगा जिसको क्या आता है प्लस माइनस। तो जैसे सॉल्यूशन देखो, अभी प्लस माइनस क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है,
2, 3, 4, 1। देखो 2, 3 और 4, 1 यही दो पॉइंट्स है हमारे पास। तो लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट ए क्या हो जाएगा आपका 2, 3 और बी क्या हो जाएगा आपका 4, 1। तो दो पॉइंट्स है आपके पास ए और बी, इनका क्या फाइंड करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो है ए जो है आपका पॉइंट, ये क्या 2, 3, तो इसमें आपका एक्स वन कितना हो जाएगा 2 और वाई वन कितना हो जाएगा 3। अब एक बात और याद रखना है, अगर आपने इसको x1 ले लिया तो इसको y2 नहीं ले सकते, इसको भी क्या लेना पड़ेगा y1 ही लेना पड़ेगा। इसको आपने क्या लिया y x2 और y2 लिया है, तो इसको आप, अगर इसको आपने x2 लिया है तो इसको आप x y1 नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें जो होएगा इसमें सब 1-1 ही होएगा और इसमें 2-2 ही होएगा। तो यहाँ पे b है आपका कितना 4, 1, तो x2 कितना हो गया आपका 4 और y2 कितना हो गया आपका 1। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना जल्दी क्या होएगा आपको याद होएगा। तो क्या होएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्या, ए बी। क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। समझ में आया क्वेश्चन मार्क। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है तो वापस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे ध्यान दो, आपका एक्स टू क्या है, एक्स टू क्या है आपका 4 माइनस एक्स वन कितना है आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। देखो अब यहां पे हमको क्या बनाना पड़ रहा है, स्क्वायर रूट बनाना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन छोड़ के ही लिखेंगे तो वो अच्छा दिखेगा, बराबर है। तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होएगा 4 + 4, बराबर है। तो ये कितना हो गया बोलो 8, कितना हो जाएगा ये 8। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो क्या करो, फैक्टर निकालो इसका, 8 है ना तो 2 के टेबल में आएगा 4, 2 के टेबल में आएगा 2, 2 के टेबल में आएगा 1। तो क्या हो गया, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और 2 क्या हो गया अंडर रूट में रह जाएगा, तो क्या हो गया ये 2√2। तो हमको डिस्टेंस कितना मिल गया, डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना मिला 2√2। समझ में आया, क्या करना है यहाँ पे आपने देखा रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्लस माइनस। अगर हमको प्लस माइनस नहीं आएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब थर्ड वाला देखो, यहां पे करता हूं मैं थर्ड वाला। थर्ड में देखो पॉइंट से ए बी और दूसरा क्या है माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए क्या हो जाएगा आपका ए कॉमा बी और बी क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। ए है ना ए कॉमा बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो x2 कितना हो जाएगा a और y2 क्या हो जाएगा b। जैसे देखो यहां पे मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने पहले वाले को x1 y1 लिया था, यहां पे x2 y2 लिया था। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले को x2 y2 ले रहा हूं और दूसरे वाले को x1 y1 ले लूंगा। सिर्फ आप किसको भी x2 y2 x1 y1 ले सकते हो, लेकिन इसको ले रहे हो तो ये x1 y1 ही होएगा, ये x2 y2 ही होएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो एक्स वन कितना हो गया आपका माइनस ए और एक्स टू कितना वाई वन कितना हो जाएगा आपका माइनस बी। अब हमको क्या लिखना है, कौन सा फॉर्मूला बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा बोलो, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमको किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होएगा,
फॉर्मूला लिखा है तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स टू कितना है आपका, देखो यहां पे एक्स टू है ए माइनस, एक्स वन कितना है, एक्स वन है आपका माइनस ए, तो माइनस क्या होएगा, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस। वाई टू कितना है आपका, बी माइनस, माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू ए स्क्वायर, टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो रहा है ये देखो, अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फोर कॉमन आ जाएगा, क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो फोर है ये क्या है, फोर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा, टू बाहर आ गया, अंडर रूट क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, तो ये जो बात, कितने क्वेश्चन है देखो यहां पे आपके पास, एक दो तीन चार पांच, ये पांच क्वेश्चन, और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या होएगा, पूरा का पूरा होमवर्क, और जिसको जो भी डाउट होएगा वो पूछ सकता है।